लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। प्रधानमंत्री जी, दरअसल जब वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में दो गुजरात है। एक गुजरात है जिसे हम प्रधानमंत्री जी के भाषणों में सुनते हैं, और एक गुजरात वो गुजरात है जिसे गुजरात जा करके देखा जाता है। वो एक ऐसा गुजरात है जिसमें मोरबी का हादसा है, करप्शन की वजह से जाने जाती हैं। एक गुजरात वो गुजरात है जहां ऊना में दलित भाइयों को बिना कपड़ों के निर्वस्त्र करके पीटा जाता है। एक गुजरात वो गुजरात है जहां हजारों लड़कियां गायब हो जाती हैं और उनकी फाइलें जो है वो थानों में धूल फांक रही हैं। एक गुजरात वो गुजरात है जहां बेसिक एजुकेशन के लिए आदिवासी और ग्रामीण अंचलों के लोग तरस रहे हैं, बेसिक विद्यालय बंद हो रहे हैं। ये जानकारी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के शिक्षा मंत्री ने दी है। तो एक गुजरात वो गुजरात है दरअसल। तो दोनों गुजरात में बहुत अंतर है। एक गुजरात भाषणों के लिए बहुत अच्छा है जिसे वाइब्रेंट गुजरात कहते हैं, लेकिन मेरा तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि और भी कई राज्यों में आपकी सरकारें रही, आप वाइब्रेंट मध्य प्रदेश क्यों नहीं बना पाए, वाइब्रेंट कर्नाटक क्यों नहीं बना पाए जहां 40% कमीशन कर्नाटक में, जिसकी वजह से आपकी सरकार चली गई। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार जाने वाली है जहां मजबूर होकर के आपको सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के भाषणों में का भारत अलग है और असलियत का भारत बहुत अलग है। देखिए, इस तरह के जो स्वघोषित नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे, वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की असल कहानी क्या है। दरअसल टिकट चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाह रहे थे, उन्हें पता है संभावित हार, उन्हें पता है इसलिए वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। पार्टी ने मजबूर करके कैलाश विजयवर्गीय जी को, प्रताप सिंह पटेल जी को, नरेंद्र तोमर जी को, इन सबको कह दिया कि नहीं जाओ चुनाव लड़ो, लड़ना पड़ेगा, लिस्ट घोषित कर दी। अब वो परेशान है, स्थिति है कि दो दो लिस्ट आ चुकी है, शिवराज सिंह चौहान जी का टिकट नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री को यह पता नहीं है कि चुनाव लड़ाया जाएगा कि नहीं लड़ाया जाएगा। जिनको ये पता, जिनको लड़ाया जा रहा है उनको ये पता नहीं है कि क्यों लड़ाया जा रहा है। ये दर्शाता है कि संगठन और सरकार और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में भाजपा के मध्य प्रदेश में कितना गैप है। और ये हुआ है लोगों के गुस्से के कारण। पूरे प्रदेश में भगदड़ है, लोग कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए अलग अलग स्रोतों से, जो मेरे पास अब तक सैकड़ों लोग ऐसे आए होंगे मध्य प्रदेश से कि जो हमें ज्वाइन करना है, हमारा लाइनअप करा दीजिए, हमारी बात करा दीजिए। तो जब प्रदेश से निकल करके दिल्ली तक लोग कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है भाजपा की। तो कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान, पहली बात तो उनकी स्वघोषित आत्ममुग्धता भी है, और दूसरा यह है कि उन्हें संभावित हार के बारे में भी पता है। उन्हें पता है कि वो खुद चुनाव हारने जा रहे हैं, तो ये हेलीकॉप्टर और जमीन दोनों का नशा उतर जाएगा। देखिए, कुमार स्वामी जी को यह समझना पड़ेगा कि जेडीएस में जो यस है उसका मतलब है सेकुलर, उसका फुल फॉर्म है सेकुलर, जनता दल सेकुलर। लेकिन कुमार स्वामी जी से मेरा सवाल है कि आप जिस भारतीय जनता पार्टी से समझौता करने जा रहे हैं, और पूर्व में भी जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ आप अघोषित समझौते में थे कर्नाटक चुनाव के दौरान, या मैंने पार्लियामेंट में भी बहुत सारी बार ऐसे देखा है कि जो लोकल पार्लियामेंट के छोटे छोटे इलेक्शंस होते हैं कमेटियों के, उसमें मैंने देवेगौड़ा जी को वोट देते देखा है भारतीय जनता पार्टी को। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी जिसके सांसद सेकुलर शब्द को हमेशा कंडेम करते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हैं कि शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहिए, अब आप जनता दल सेकुलर लेकर के उसी अलायंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं? आप अपने दल, अपनी पार्टी का जो नाम है उस नाम की तो लाज बचाइए। बाकी कर्नाटक की जनता का भरोसा आपको नहीं है, जनता ने भी आपसे अपना हाथ खींच लिया है, यही वजह है कि आप सिमट करके कर्नाटक के चुनाव के बाद से आपकी प्रासंगिकता समाप्त है। जब देश की अलग अलग पार्टियां एनडीए से अपना संबंध तोड़ रही हैं, तमिलनाडु में एआईडीएमके ने तोड़ लिया है, ऐसे में उनका जाना यह दर्शाता है कि या तो उनके ऊपर कोई दबाव है या कोई बड़ा लालच है, वरना कम से कम वो अपने जनता दल सेकुलर में सेकुलर शब्द की लाज जरूर बचा।